प्रशांत कुमार दास, खुफिया डिजाइनर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव डिजाइन इंडिया। आज मैं दोबारा दिखाने जा रहा हूँ और एक स्नीकर स्पोर्ट शूज कैसे बनता है। और ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला स्नीकर शूज बना के दिखा दिया, वो मेरा पुराना वीडियो में आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा न्यू डिज़ाइन कैसे बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये विनफॉर्म है, विनफॉर्म से ये डिज़ाइन बेस कैसे बनता है वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आप लोगों को। तो इसलिए मैंने इसी बेस से आप हजारों डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने से बेस ड्राइंग करके कैसे दूसरा डिज़ाइन बनता है वो आपको दिखाना था, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा डिज़ाइन आप लोग देखते रहिएगा, मैंने बेस ऑलरेडी ड्राइंग कर लिया, आप लोग देखते रहिए। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा डिज़ाइन कैसे बनेगा। जो भी वीडियो आप लोग मेरा पुराना वीडियो हमेशा फॉलो करते रहना, आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। और साथ में जो भी स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करते जरूर रहना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको किसी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। DIP स्पोर्ट्स शूज बना कैसे बनता है, और जो फ्रेशर है वो घर बैठ के उसको सारा चीज़ समझ आ रहा है, डिज़ाइन कैसे बनता है मोटा मोटी आइडिया तो पता चल ही जाएगा उसको। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, घर बैठ के बिना इन्वेस्ट का सब कुछ आसानी से पता चल रहा है। इससे बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आने वाला टाइम में किस टाइप मार्केट में शूज बिकेगा, क्या ट्रेंड चलेगा, वो सब कुछ आपको आसानी से घर बैठ के पता चल रहा है। मैं बार बार इसलिए एक ही कंसेप्ट में दो तीन डिज़ाइन आपको दिखाते जाऊंगा, जो आपको मार्केट ट्रेंड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इजीली पता चलेगा कैसे मार्केट में आने वाला टाइम में क्या क्या चीज़ बिकेगा। ड्राइंग देखते रहिएगा, मैंने एक बहुत ही कम टाइम में आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ ये सारे। जो लोग स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, वो मार्केट का ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको किसी भी कंपनी को साथ जुड़ने को बहुत ही आसानी से वो जुड़ सकता है। जो प्रॉब्लम होता किसी भी कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो नया फ्रेशर आदमी जब किसी कंपनी में जॉब में जाता उसको पता ही नहीं चलता जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता उस सबको। इसलिए आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ मेरे साथ जो लोग जुड़े रहेंगे उसको बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बेसिकली मेन चीज़ है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है आगे ग्रो करने के लिए, और उसी के बजाय कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करता है। इसलिए आप लोग ज़रूर देखते रहना, मेरा वीडियो फॉलो करते रहना, मैं हमेशा दिखाऊँगा नया नया डिज़ाइन।
मेरा ड्राइंग लगभग कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट ही है। अब देखिए ड्राइंग कंप्लीट है मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक मोटा मोटी रफ ड्राइंग मैं कंप्लीट कर दिया। अभी इसको हम भेजेंगे कोरल में, उसके बाद थोड़ी देर में आपको इसका पूरा कंसेप्ट अपर बना के आपको सब दिखाते हैं। अभी मैंने बेस ड्राइंग दिखा दिया था ऑलरेडी, ये थोड़ा मैंने मेरे टीम ने ग्राफिक्स का काम किया। हम लोग देखिए ग्राफिक्स में मुझे थोड़ा डेकोरेशन करना था, मैंने कंप्लीट करवा लिया। और इसके साथ हमने पैटर्न भी सारे कंपोनेंट्स सेपरेटली कटिंग करके सेपरेट कर लिया सारे कंपोनेंट्स। इसका बहुत सारे कंपोनेंट्स है, एज ए ड्राइंग आप देख रहे हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो सेम जैसे पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, सारे कंपोनेंट अलग अलग मैंने रख के दिखा दिया था, इसमें भी सेम कंसेप्ट ही है। वो सारे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको दिखेगा, सारे कंपोनेंट अपनी जगह पे है और बहुत सारे कंपोनेंट सेपरेटली है। इसके अंदर डेकोरेशन कंपोनेंट आप देखेंगे तो सिर्फ एक कंपोनेंट डेकोरेशन है, और इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, बीच में पता चलेगा जो डेकोरेशन कैसे होता है। देखिए सारे कंपोनेंट्स ऐसे, बीच का म्यूजिक कंपोनेंट ही है। ये आपका मेटल कंपोनेंट है, डेकोरेशन कंपोनेंट तो बात कर रहा हूँ अभी, पार्ट देखिए ये डेकोरेशन का कंपोनेंट। काउंटर है जैसे कि हम बीच में कुछ काम किया, अब जो कवर हो गया पैटर्न से, अब पैटर्न हटा देंगे, देखेंगे ये वाला पैटर्न में हमने किया डेकोरेशन इसमें और काउंटर में, मेन पार्ट तीन पार्ट में हमने जो अपने कोरल का वर्क किया डेकोरेशन किया, ये कंप्लीट हो गया। कटिंग कंप्लीट के बाद अब चलते हैं अपर कैसे बनते हैं, अभी आपको अपर बना के दिखाते हैं। अब देखिए ये अपर बिल्कुल कंप्लीट रेडी होके आ चुका है, और बहुत ही एक अलग डिफरेंट अपर, लास्ट वीडियो में जो डिज़ाइन मैंने दिखाया उससे कंप्लीटली अलग डिज़ाइन है। और इसमें कलर कुछ भी बना लीजिए अकॉर्डिंग टू आपका पसंद। जो स्टूडेंट दिख रहा है वो प्रैक्टिस करने के लिए भी स्टार्ट करते कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसको बिना इन्वेस्टमेंट में सारे लेटेस्ट मार्केट का ट्रेड पता चल रहा है। और ये डिज़ाइन का पैटर्न भी उसको ज़रूरत पड़ेगा तो मेरा टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके इजीली ले सकता है, मेरे साइड में जाके कैसे मिलेगा वो मेरा टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अब देखिए मैंने ये बेस भी देख सकते हैं, ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं जो सब अपने पोजिशन में अपना सारा चीज़ है एज पर। इसलिए ड्राइंग को सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं आप ड्राइंग कैसे करते हैं। देखिए अपर कंप्लीट हो गया, अभी जो आप सबको अपर दिखाया था उससे देखिए कितना सुंदर सा एक स्पोर्ट शूज बन गया। ये स्नीकर शूज बोलते हैं, DIP स्नीकर शूज बोलते हैं, और बहुत सुंदर है आप देखिए। इससे पहले वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी सेम टाइप का एक डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और इसलिए बार बार मैं दिखा रहा हूँ, आने वाला ट्रेंड यही बनेगा, मार्केट का ट्रेंड यही बनेगा। तो इसलिए हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन ज़रूरत पड़ेगा, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इस टाइप का डिज़ाइन ज़रूरत पड़ेगा तो वो डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारी टीम के साथ। और जो भी नया स्टूडेंट और फ्रेशर है वो भी जो सीख रहा है उनको भी मार्केट का ट्रेंड इजीली पता चलेगा, इतना आसानी से मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता चलता नहीं है, वो हमारा वीडियो देखते रहेगा तो उसको आसानी से पता चल जाएगा। आप लोग सब हमारा वीडियो देखते रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बेल बटन दबाते रहना। नमस्कार।